हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर फॉर क्लास 3 to 6 एंड द चैप्टर नेम इज टेंसेज। दिस इज द पार्ट थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर पार्ट वन वीडियो एंड पार्ट टू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड। इफ यू हैवंट वॉच द पार्ट वन वीडियो एंड पार्ट टू वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, then at first watch part 1 video and part 2 video of this chapter. Okay, you can get part 1 video and part 2 video links from description, or you can get also part 1 video and part 2 video from I button. Okay, so I hope that you already watched part 1 video and part 2 video. If you haven't watched, then watch at first that videos. Okay, now start. In this video we are going to learn about past indefinite tense, or you can also say that simple past tense. Okay, इस वीडियो में हम लोग past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे, और इसी का दूसरा नाम simple past tense भी हम लोग कहते हैं। आई थिंक दैट कि आपके बुक में सिंपल पास्ट टेंस ही लिखा हुआ होगा और इंडिफिनिट टेंस भी, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट नेम्स दैट कि किसी भी चीज़ का आप जानते हैं दो नेम होता है या थ्री नेम होता है। तो जब आप पार्ट वन वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा टेंस का दो नेम है, कौन सा टेंस का थ्री नेम है, तो आपको सभी नेम याद होना चाहिए। सो हियर इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, क्लियर है। तो बिफोर वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, क्लियर है। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस से पता क्या चलता है, क्लियर है। अ वर्ब दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन, अ वर्ब दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन, यानी वह वर्ब जो उस एक्शन के बारे में बताता है, दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट इज सेड टू बी इन द सिंपल पास्ट टेंस। दैट मीन्स ये हो गया कि जो काम कंप्लीटली पास्ट में खत्म हो गया है ना, कंप्लीटली मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीटली है ना, जो काम कंप्लीटली पास्ट में खत्म हो गया है, तो हम लोग वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और यू कैन से दैट कि उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं, क्लियर है। आप यहां देख रहे हैं अ वर्ब दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट इज सेड टू बी इन द सिंपल पास्ट टेंस, क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन आई थिंक आप इजिली समझ जाएंगे। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स आप जानते हुए, यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल। टुमोरो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो आई सॉ अ मूवी यस्टरडे मतलब ये कह रहा है कि मैं कल मूवी देखा हूं, है ना। तो इट मीन्स ये हुआ कि ये काम कंप्लीटली खत्म हो गया है, मूवी देखने का काम कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू ट्रेवल्ड टू जापान, है ना। अब यहां पे ये बोल रहा है कि तुम जापान गए हो, है ना। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जापान जाने का काम जो है कंप्लीटली हो गया है, सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, क्लियर है। सी वॉश्ड हर कार, दैट मीन्स ये हो गया कि वो अपना कार को वॉश कर ली है, है ना, साफ कर ली है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, है ना। तो हम लोग यहां पर यह समझ रहे हैं कि दिल्ली जाने का काम कंप्लीटली हो गया है, सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, क्लियर है। लाइक दे फिल्ड हिज
फॉर्म, तो मतलब ये कह रहा है कि सॉरी हियर इज यस यस इज राइट सेंटेंस दे फिल्ड हिज फॉर्म, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वे लोग उसका फॉर्म मतलब फिल कर दिया है। तो यहां पे भी क्या है, इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे। क्लियर है, आई होप कि आप इजिली समझ गए होंगे सिंपल पास्ट टेंस किसको कहेंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कब कहेंगे, या फिर कोई भी वर्क को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कब कहेंगे, जब वो वर्क कंप्लीटली डन हो गया है ना, कंप्लीटली खत्म हो गया है, चाहे वो एक दिन पहले खत्म हुआ हो, है ना, चाहे वो दो दिन पहले खत्म हुआ हो, या एक साल पहले खत्म हुआ हो, या दो साल पहले, या तीन साल पहले, यानी कंप्लीटली जो काम खत्म हो जाता है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी किसी भी सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर, यानी किसी भी टेंस को समझने के लिए स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो वो टेंस आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे आप यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, मैंने पार्ट वन वीडियो में आपको बताया था वर्ब के बारे में, या फिर मैं वर्ब के बारे में भी बताया था, कई वीडियो मैंने बनाया था वर्ब के बारे में। सो आई थिंक कि आप जानते होंगे वी टू किसको कहते हैं। तो वी टू यूज करते हैं, अगर आप नहीं समझे हैं तो हम लोग एग्जाम्पल्स या फिर आगे देखते हैं, शायद इजिली समझ में आ जाएगा। इन द सिंपल पास्ट टेंस वी एड डी और ई डी टू अ वर्ब, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में डी या फिर ई डी को एड करते हैं वी वन में। जैसे ये हमारा वाइप है, तो वाइप क्या है, वी वन है ना, वी वन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग डी लगाएंगे तो हो जाएगा वाइप्ड, तो इसी को हम लोग वी टू कहते हैं। क्या कहते हैं, वी टू। क्लियर है, जैसे वाइप क्या है, वी वन है, क्या है, वी वन, और इसमें अगर हम लोग डी लगा दिए हैं तो हो गया वाइप्ड, इसको कहेंगे वी टू। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा है प्रे प्लस ईडी, यानी प्रे में अगर हम लोग ईडी जोड़ देते तो हो जाता है प्रेड, है ना, तो प्रे हमारा वी वन है और प्रेड हमारा वी टू है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर वर्ब्स दैट एंड, सॉरी फॉर वर्ब्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट, आई होप कि आप कॉन्सोनेंट को जानते होंगे, तो वो वर्ब जो इंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, वी चेंज द वाई टू आई, यानी वाई को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, आई में, एंड देन एड ई डी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा यहां क्या है, फ्राई, प्राय के लास्ट में वाई देख रहे हैं, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स ये हुआ कि ये वर्ब्स हमारा इंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और यू कैन से दैट कि वाई को चेंज कर देंगे आई में, और देन उसमें ई डी एड कर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वाई को आई में चेंज कर दिया गया, उसमें ई डी एड कर दिया गया, हो गया क्या, फ्राइड, तो इसी को हम लोग वी वन कहते हैं फ्राई को, और फ्राइड को वी टू कहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा है क्राई, तो क्राई से क्या बन गया, क्राइड, तो क्राई हमारा वी वन है और क्राइड वी टू है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर वर्ब्स दैट एंड इन अ वोवेल प्लस वाई, यानी जो वर्ब हमारा वोवेल प्लस वाई से खत्म होगा तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं एंड देन उसमें आई डी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, आई डी। क्लियर है, जैसे आप देख रहे हैं पे, लास्ट में जो
भार्व यानी इंड है, ए प्लस वाई से, और ए आप जानते हैं वोवेल है, तो वोवेल प्लस वाई से है, तो वाई को रिमूव कर देंगे यानी वाई को हटा देंगे और उसमें आई डी जोड़ देंगे। जैसे आप वाई को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, पी ए, तो उसमें आई डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा पी ए आई डी, हो गया क्या, पेड। क्लियर है? उसी तरह से सेड, ले, लेड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सम वर्ब्स दैट इंड विथ अ कंसोनेंट, कुछ वर्ब ऐसा होता है जो इंड होता है कंसोनेंट से, वी रिपीट द कंसोनेंट एंड एड ईडी। हियर यू सी दैट सम वर्ब्स, याद रखना है कुछ वर्ब्स में, सभी में नहीं। क्लियर है? जिस वर्ब को प्रोनाउंस करने में उस किसी लास्ट लेटर पे जोर पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे स्टेप है ना, क्लैप, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पी को डबल कर देते हैं, उसमें ईडी जोड़ देते हैं, हो जाता है स्टेप, तो स्टेप्ड, क्लैप, क्लैप्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउएवर सम वर्ब्स डू नॉट फॉलो दीज रूल्स। अब कुछ ऐसा वर्ब होता है जो कि जो भी रूल्स हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, वो उसको फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स ये हुआ, इस वर्ब का वी टू आपको याद करना पड़ेगा, और यू कैन से दैट की पास्ट टेंस आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे आप देख रहे हैं, कम कैम, गेट गॉट, स्टैंड स्टूड, तो आप वीडियो को पॉज कर लें एंड इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। क्लियर है? एंड देन इसको आप मेमोराइज कर लें। क्लियर है? आप यहां पर देख रहे हैं कुछ वर्ब्स है ना, जिसका वी वन वी टू बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसे आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी रूल्स से नहीं बनता है, सो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप अपने नोटबुक्स में से नोट डाउन कर लें एंड देन इसे याद कर लें। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इन सम केसेस द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस डू नॉट चेंज एट ऑल। अब कुछ ऐसा वर्ब्स होता है जिसका वी वन वी टू सेम होता है ना, जैसे रीड, सिर्फ प्रोनाउंस बदल जाता है, इसको रेड पढ़ते हैं, रीड रेड, हर्ट हर्ट, बीट बीट, कट कट, आप देख रहे हैं चेंज नहीं हुआ है, एज मतलब से जैसा वी वन है वैसा ही वी टू है, स्पेलिंग भी सेम है, सिर्फ यहाँ ये है कि रीड यहाँ रेड पढ़ा जाता है। क्लियर है? सो आप इसे याद रखेंगे, आई होप कि आप सिंपल पास्ट टेंस को समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मींस ये होता है, आप समझ रहे होंगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू से वर्ड बना है कंटिन्यूअस, तो आप किसी भी चीज को कंटिन्यू, आप हमेशा वर्ड यूज करते होंगे किसी भी चीज को कंटिन्यू, क्यों कहते होंगे, जो काम जारी रहता है ना, तो आप कहते हैं कंटिन्यू, कहते होंगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, है ना, इसी तरह। तो वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उस टाइम करते हैं, यानी उस वर्ब के साथ करते हैं, या उस एक्शन के साथ करते हैं, या फिर उस काम के साथ करते हैं, जो कि बोलने के टाइम, यानी जो एक्शन बोलने के टाइम, जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम वो होता है, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, है ना, तो यहाँ पर बोलने के टाइम वो काम हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना, आप कहेंगे आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, तो ये काम क्या हो रहा है, जिस टाइम बोला जा रहा है उसी टाइम वो काम हो रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और याद रखना है, द एक्शन हैज स्टिल नॉट फिनिश्ड, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि काम बोलने का टाइम हो रहा है, बट काम फिनिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, द बेबी इज क्राइंग, है ना, बेबी रो रहा है, चिल्ला रहा है, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, वे लोग सच बोल रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब ये सब सेंटेंस पढ़ने समय ये पता चलता है कि काम यानी जिस टाइम बोला जा रहा है उसी टाइम हो रहा है और ये काम फिनिश नहीं हुआ है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, जैसे आप बोल रहे हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो दैट मीन्स ये हुआ कि अभी फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर है? सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब आई एन जी, और यू कैन से दैट वी फोर, वर्ब आई एन जी को वी फोर कहा जाता है, यानी वी वन में अगर आप आई एन जी लगा देते हैं तो वो वर्ब वी फोर बन जाता है, वी फोर बनाना इजी होता है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। क्लियर है? एंड प्लस अदर वर्ड देखते हैं हम लोग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आई यानी सब्जेक्ट है, प्लस इज आर एम यानी एम लगाए हैं, प्लस आई एन जी वर्ब यानी प्लेइंग, है ना, तो इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है? इनवर्ब्स एंडिंग विथ ई, यानी जो वर्ब ई से एंड होता है तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, और यू कैन से दैट ई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर उसमें उसमें हम लोग आई एन जी एड करते हैं। जैसे है लव, तो लास्ट में ई है तो ई को रिमूव कर देंगे और उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, तो लविंग, तो लव हमारा वी वन है और लविंग हमारा क्या है, वी फोर है। क्या है? वी फोर। इसी को हम लोग वर्ब आई एन जी भी कहते हैं, या फिर आई एन जी वर्ब। मेक, तो मेकिंग, बेक, बेकिंग। क्लियर है? इन सम वर्ब्स दैट एंड इन अ वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, कुछ ऐसा वर्ब होता है जो कि एंड होता है वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, देन उसमें आई एन जी एड करते हैं। जैसे हग, है ना, तो लास्ट में देख रहे हैं कि यू वोवेल है और जी कॉन्सोनेंट है, तो इंड हो रहा है वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे यानी जी को डबल कर देंगे, देन उसमें आई एन जी एड करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जी को डबल कर दिया गया है, देन उसमें आई एन जी एड किया गया है, तो हगिंग, हग, हगिंग, स्टॉप, स्टॉप पिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझना इजी है, बट कंडीशन ये है कि अगर आप पास्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप समझ गए होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझना आपके लिए टू इजी है, बिल्कुल इजी है। देखते हैं, वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू Describe an action that was taking place in the past. यानी जो past में काम हुआ था, है ना, कुछ समय तक, तो उसको हम लोग past continuous tense में मतलब denote करते हैं। जैसे I was playing football, मैं football खेल रहा था, यानी past में कुछ time work हुआ, यानी past में कोई काम कुछ time तक continue रहा, तो हम लोग past continuous tense use करते हैं। याद रखना है, जो काम कंप्लीटली डन हो जाता है पास्ट में, तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। बट कुछ काम ऐसा होता है कि पास्ट में कुछ समय तक हुआ, जैसे कहेंगे मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं खाना खा रहा था। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे ना कि मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, मतलब क्या, पास्ट में कुछ टाइम तक वर्क हुआ, तो वहां हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप एग्जांपल्स को वीडियो को पॉज करके केयरफुली रीड करें और देन आप समझें। क्लियर है? देखते हैं स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आई एन जी, जिस तरह आप यहाँ देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे इज आर एम लगा, बाकी सब सेम है, उसी तरह यहाँ पास्ट आ गया तो वाज वर्ब, तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका एग्जांपल जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आई सिंगुलर वर्ब है, तो इसके लिए इसके साथ वाज लगा,
है ना, द बेबी, सॉरी आई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वाज लगा। आप देख रहे हैं द बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ वाज लगा, दे प्लुरल सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ वर लगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ वाज लगा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ वाज लगा। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे टेंस को। तो इन दिस वीडियो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसके बाद हम लोग देखे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सो हम लोग वन बाय वन करके एक एक करके वीडियो बनाएंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे सभी टेंस को। अब हम लोग फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर है? तो वन बाय वन आप को मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप केयरफुली उस वीडियो को देखेंगे, है ना, और टेंस को ध्यान से समझना है, टेंस को सीरियसली पढ़ना है। क्लियर है? बिकॉज मैं जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि टेंस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर चीज़ आप देखते हैं टेंस के अंदर ही आता है, चाहे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा या फिर आप कभी पढ़े थे या आप कभी इंजीनियर बनोगे डॉक्टर बनोगे, वो सारा चीज़ टेंस में ही आता है। आप कोई भी बुक उठा कर देख लीजिए, आपको हर सेंटेंस में आपको टेंस दिखेगा। सो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको टेंस जरूर आना चाहिए। सो टेंस को ध्यान से पढ़ें। क्लियर है? डोंट एफ्रेड दैट और डोंट बी कंफ्यूज दैट कि बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, ज़्यादा वीडियो बनेगा लेकिन टेंस में टाइम देना है, बिकॉज टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ हियर इज सम वर्क फॉर यू, चूज द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब है उसको चूज करके आपको लिखना है ना। आप वीडियो को पॉज कर दें एंड देन इसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें और फिर उसका आंसर आप अपने ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लियर है? ओके, एंड वन मोर क्वेश्चंस फॉर यू। आप यहाँ देख रहे हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवेन वर्ब्स, यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर है? जैसे आप देख रहे हैं, रड़ाया, डैश ब्रैकेट में हग है, हर फ्रेंड, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर यह भी करा यूज वाज और वर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है और आप देखें कि कहाँ पर क्या यूज होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, फिर से पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू देखें, फिर पार्ट थ्री देखें, बिकॉज जितना बार आप वीडियो को देखेंगे, जितना बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगा, उतना ही ज़्यादा आप लर्न करेंगे। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।